अब आ गए हैं हम मसूरी। मसूरी का हमने व्लॉग नहीं बनाया है। मसूरी से जा रहे हैं हम कैंपटी वाटरफॉल, जो कि मसूरी से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमने स्कूटी ले ली है रेंट पे, और गाइस बहुत रीज़नेबल है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्कूटी से जाना, क्योंकि आपका अपना व्हीकल होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली अपना व्हीकल, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, आप अपने व्हीकल से आए हैं, गाड़ी से आए हैं, जैसे भी हैं, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम कैंपटी फॉल। ये है मेरा दोस्त जिसके साथ मैं जा रही हूँ। मेरा नाम है मोहसिन, और बेसिकली हमने जो स्कूटी रेंट पर ली है, आप ले सकते हो। आपका वैसे अगर आप प्राइवेट व्हीकल से घूमोगे तो आपका फेयर ज़्यादा लगेगा। अगर आप बजट में घूमना चाहते हो तो आप स्कूटी लीजिए। स्कूटी आपको 600 से 800 रुपए में मिल जाएगी। मतलब लाइक नेगोशिएट करना पड़ता है, 800 भी बोलते हैं, 900 भी बोलते हैं, हमने 600 रुपए में ली है। फ्यूल हमारा है, तो अभी हम 2-3 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं। हमने धनौल्टी भी घूम लिया, हमने चंबा भी घूम लिया, हमने मसूरी भी घूम लिया, अभी हमारा लास्ट पॉइंट। तो हमने सोचा जाते जाते एक छोटा सा ब्लॉग तो बनाना बनता है, तो अब चलते हैं जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर, जो हम जा रहे हैं कैंपटी वाटर। बहुत मजा आने वाला है, व्लॉग में बने रहिए। ये हैं मसूरी के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, और स्कूटी चलती जा रही है। दिल्ली की गर्मी से बहुत अच्छा मौसम है। दिल्ली की गर्मी से, हाई दिल्ली की गर्मी से बहुत अच्छा मौसम है। और ये बीच रास्ते में सारे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह पड़ते हैं कैंपटी फॉल के लिए। सावधानी के साथ इधर स्कूटी चलानी पड़ती है, रोड बहुत है, और बड़े आराम आराम से। और ये देखिए क्या नज़ारा है। अभी बेसिकली मई का महीना है, तो सारा जो स्नो है वो पिघल गई है। अगर आप जनवरी या दिसंबर में आओगे तो आपको स्नो देखने की मिलेगी। ये पहाड़ जितने भी आपको ग्रीनरी पहाड़ों की दिख रही है, ये सारे स्नो से कवर होते हैं। तो इधर बहुत खतरनाक खतरनाक मोड़ है, आप आगे देख सकते हो। बट हमारा ड्राइवर बहुत हैवी है जो चला रहा है मोड़ों पे। भी होती है ये देखो। और इनको बहुत एक्सपीरियंस है पहाड़ों में चलाने का, तो कभी पहाड़ों में मैं चलाता नहीं हूँ, बेसिकली इन्हीं को दे देता हूँ पहाड़ों में चलाने के लिए, क्योंकि हम पहाड़ों में ज्यादा घूमते हैं। हाँ, ये पहाड़ों की रानी है मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स। पहाड़ों की रानी स्कूटी चला रही है पहाड़ों पर। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। एक्चुअली कैंपटी फॉल का जो रास्ता है वो बहुत छोटी सी स्टेयर्स जा रही है। एक साइड पे आपको पता करना पड़ेगा कहाँ से जा रही है, क्योंकि सब लोग बता तो देते हैं। और ये है यहाँ का पूरा मार्केट, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे पूरा, ये यहाँ पे पूरा मार्केट में होते हुए हमें जाना है। और ये है स्टेयर्स जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कैंपटी फॉल की जर्नी। तो ये चलते जा रहे हैं हम, और यहाँ पे भी प्रॉपर मार्केट है, बीच में स्टोर्स हैं, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे स्टोर चालू हो गए हैं, ये पर्सेस वगैरह, चूड़ियाँ और सारी चीजें आपको मिलेंगी, चश्मे। शॉपिंग के लिए बढ़िया जगह है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको खरीदना है, खरीदते हुए जो सबको शॉपिंग का शौक होता है, और नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे डेफिनेटली। ये गन शॉट लगाना है, ये मुझे करना बड़ा पसंद है, मैं झांक झांक के देख रही हूँ। तो बट रश है यहाँ पे, टाइम लगेगा, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैं आगे जा रही हूँ। बट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए पर्स वगैरह, फीमेल की शॉपिंग स्पेशली। और ये यहाँ पे फिश एक्वेरियम है, ये मतलब बेसिकली ये फिश स्पा है, जहाँ पे ये फिश हमारी टैनिंग खाती है। मैंने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है थाईलैंड में। और ये देखिए ये जिस तरीके से ये टैनिंग, बेसिकली ये जो कर रही है ना, ये इनका खाना है, और ये टैनिंग खा रही है बेसिकली। ये बैठा हुआ है सर पैरों में से, पैर साफ कर रही है, साफ इसका पेडिक्योर चल रहा है, और मज़े ले रहा है वो आराम से, बहुत मज़ा आता है। ये कभी आप भी ट्राई करिएगा, सच में मैंने भी किया हुआ है, मज़ेदार की चीज़ है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ये जा रहा है पूरा रास्ता कैंपटी फॉल के लिए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, ये खाने पीने का एरिया है, यहाँ पे आप खा पी भी सकते हो। और ये लेज़ेस और ये सारे बच्चे वगैरह जो खाते हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बट हाँ, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मार्केट है पूरा आप
जब भी करें तो नेगोशिएट जरूर करें, और ये तो फीमेल का हक बनता है नेगोशिएट करना। और आपको भी पता है कि आप कहीं पे भी जाओगे, हिल स्टेशन वगैरह जाओगे, तो नेगोशिएट करना बनता है, और ये बहुत ज्यादा नेगोशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं। ये हम पहुंच चुके हैं लॉकर रूम के पास में, जहाँ पे हम अपने बैगों को रख सकते हैं, और चेंजिंग रूम भी इनके पास अवेलेबल है, और ज्यादा चार्जेबल भी नहीं है। 50 रुपीज बता रहे हैं सिर्फ ये लॉकर को यूज करने का, क्योंकि मुझे तो सिर्फ चेंज करना है और जाना है, और लॉकर में अपने बैग्स रखने हैं, तो ले लेते हैं 50 रुपये में। क्या जाता है 50 रुपये में, हमने ले लिया है यहाँ पे, तो हम लॉकर में बैग रखेंगे। ये देखिए लॉकर में आपको लॉक्स भी अवेलेबल होंगे, और ये आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे, ये सारे शॉर्ट्स वगैरह, ये सब कैंपी फॉल के आउटफिट्स हैं जो लोग नहीं लेकर आए हैं। तो लॉकर हमने ले लिया, अपना सारा सामान रख लिया, चेंज भी कर लिया है, तो वी आर रेडी टू गो इन द कैंपी फॉल। तो हम जा रहे हैं लॉकर रूम से, थोड़ा सा डिस्टेंस है कैंपी फॉल का, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। वो दिखना चालू हो गया मेरे को, यू कैन सी, आप देख पा रहे हो गए, ये पानी नजर आ रहा है आपको गिरता हुआ। तो चल रहे हैं, हम जा रहे हैं पहुंचने वाले, बहुत मजा आने वाला। और यहाँ पे लिटरली इतनी सारी शॉप्स हैं, आपको शॉपिंग करने के लिए आपको फुल एंटरटेनमेंट होगा। एक दिन आप यहाँ के लिए निकाल कर आइए, जैसे हमने निकाला है अपना एक दिन, टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी यहाँ पर। यहाँ बहुत संभल के जाने वाला खेल है। नीचे दिखा, नीचे देखो कितना ज्यादा पानी फैला हुआ है, और स्टेयर्स है बहुत स्लिपरी। ये क्राउड तो वीक डेज में है, तो सोच लीजिए वीकेंड में क्या होता होगा। हम भी करने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ। फुल एंजॉय कर रहे हैं सब, मैं भी जाऊँ। कहाँ से जाऊँ? वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, हाँ। अरे लोग निकलने नहीं दे रहे यार। तो ये था कैंपी फॉल जो आपको दिखाया, देखिए ये लोग कर रहे हैं एंजॉय। इतना ये ऊपर से निकल रहा है, हम थोड़ा बैठ गए हैं, उसके बाद हम बहुत ऊपर से आना पड़ा है। हाँ, अब पानी में उतरने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, बहुत मुझे ठंडे पानी से बहुत एलर्जी है, और बहुत डर लगता है मुझे ठंडे पानी से। उतरूंगा मगर थोड़ा सोच समझ के उतरूंगा, इनको ज्यादा जल्दी उतरने के, पहले तो मैं तो जा रही हूँ जगह मिल रहा है, बस तो भाई ये पानी के अंदर चल रही है, ये देखिए, जाओ जाओ जाओ, बहुत ठंडा पानी है। अब ये देखो ये कहाँ तक जाएगा। मेरा मजाक समझ जाता है ये कि मैं ठंडा ठंडा बोल रही हूँ। देखो ये उस इंसान की हालत है जो ये बोल रहा था कि मेरे को ठंडे पानी से एलर्जी है। Now you can see. तो ये हमारी मस्ती, ये इसका मतलब पागल बना रहा था, कह रहा था कि मेरे को ठंडे पानी से एलर्जी है, बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। ये है पूरा कैंटी फॉल, एक बार मैं आपको दोबारा से घुमाकर दिखाती हूँ। पूरा यहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिलेगी, जो स्विमिंग नहीं आती उनके लिए टायर वगैरह, या बच्चों के लिए टायर वगैरह, सारी चीज़ अवेलेबल है। ये स्टोर है मैगी वगैरह, दोनों हिल स्टेशन में मैगी वगैरह सबसे ज़्यादा इंसान प्रेफर करता है, मैं भी प्रेफर करती हूँ। तो पूरा मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए लोग कितना मजा आ रहे हैं। आवाज आपको सुनाई दे रही होंगी, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कैंपी फॉल में भी।